हर साल की तरह इस बार भी आर्ट ऑफ लिविंग पूरे जोश और होश में नए साल का आगमन करने जा रहा है, और हम सभी शहरवासियों को ये निवेदन करते हैं कि आप होश में रह के अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ना कि नशे में। ये कैंपेन हम अगले 15 सालों से चला रहे हैं, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव 31st नाइट, एक सात्विक तरीके से सेलिब्रेट करें, जिसमें हम पूरे परिवार के साथ मिलकर नए साल को बेहतर तरीके से मनाते हैं, और आगे भी हम शहरवासियों का सहयोग चाहेंगे कि वो आगे आके हमें बढ़ चढ़ के इस कार्य में हिस्सा लें और सत्व को बढ़ाएं। जय गुरुदेव। कम सिंह। जय गुरुदेव। 2023 जा रहा है तो कैसे मनाएं बताइए। हम आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोग, जो गुरुदेव के लोग हैं, जो आर्ट ऑफ लिविंग को अच्छे से जानते हैं कि कैसे जिया जाए, हम न्यू ईयर ऐसे मनाते हैं, बहुत खुश होकर सात्विक स्टाइल में सत्संग करके और सबके साथ नाच गा के। तो क्यों ना आप भी हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पिछले 15 सालों से हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग वाले इसी तरह से सात्विक तरीके से सत्संग करके नए साल का शुभारंभ करते हैं और पिछले साल को विदा करते हैं, और दुनिया पूरी जाम में फंसी हुई रहती है, और वो ग्लास वाला जाम हो या ट्रैफिक वाला जाम हो, लेकिन हम यहाँ पर मस्ती के साथ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे उमंग के साथ नए साल का स्वागत करते हैं और पूरे जीवन में उमंग और मस्ती को अपनाते हैं। मैं दिव्या वेणुगोपाल हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ और ऑफिशियल आर्ट ऑफ लिविंग सिंगर हूँ, सुमेरो संध्या सिंगर। आज मुझे यहाँ उल्लासनगर में आके बहुत खुशी हुई ये देख के कि इतने सारे लोग न्यू ईयर्स को इतने अलग ढंग से सेलिब्रेट करने आए। मुझे अभी पता चला कि ये इनका ये एक ट्रेडिशन है, 15 साल से चलता आ रहा है, जो ये एक सात्विक तौर से न्यू ईयर को, न्यू ईयर का आगमन वो सेलिब्रेट करते हैं। तो इट इज़ अमेजिंग टू सी दैट हाउ दे आर इंस्पायरिंग पीपल। वो कितना इंस्पायर कर रहे हैं लोगों को कि कोई और इन्फ्लुएंस के वजह से सेलिब्रेशन नहीं हो, सात्विक तौर से सेलिब्रेशन हो, ये देख के मुझे आज बहुत खुशी हुई। मैं आर्ट ऑफ लिविंग उल्लासनगर टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ इसके लिए, एंड रियली इट्स अमेजिंग, बहुत बढ़िया काम हुआ है और होता रहेगा आई एम श्योर। कोणार्क, अपना शहर, अपनी बातें।